अब आपको बताते हैं कि अलग अलग राशियों पर इस ग्रहण का क्या प्रभाव पड़ेगा। जैसा मैंने बताया कि ये पूर्ण सूर्य ग्रहण है और अगले 6 महीने तक ये प्रभाव डाल सकता है, लेकिन अलग अलग राशियों पर भी इस ग्रहण के प्रभाव पड़ेंगे। राजनैतिक और सामाजिक रूप से तो पड़ेंगे ही, राशियों के जीवन में भी इस ग्रहण के प्रभाव दिखाई देंगे। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। देखिए, सूर्य ग्रहण की वजह से आपको अब अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। खास तौर से अगले 1 महीने में आप स्वास्थ्य के मामले में लापरवाही नहीं करेंगे, स्वास्थ्य को लेकर के सतर्क रहेंगे। इस समय आपका आकस्मिक स्थान परिवर्तन हो सकता है, इस समय आपका सडन चेंज हो सकता है, अचानक स्थान परिवर्तन की संभावना बन सकती है। करियर को लेकर के मेष राशि के लोग इस समय विशेष रूप से सतर्क रहेंगे, करियर में कोई रिस्क नहीं लेंगे, कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे उनके करियर में समस्याएं आ जाएं। करियर में मेष राशि वालों को इस समय समस्या से बचना होगा। तो अगले 1 महीने तक अपने स्वास्थ्य का और अपने करियर का मेष राशि वालों को बहुत ध्यान देना होगा। और कोई मुश्किल परेशान ना करे, ग्रहण का दुष्प्रभाव आपके जीवन पर ना पड़े, इसके लिए ग्रहण के पश्चात, ग्रहण के बाद किसी निर्धन व्यक्ति को गुड़ और गेहूं का दान करें। ग्रहण के बाद किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ और गेहूं का दान कर देते हैं तो निश्चित रूप से ग्रहण के दुष्प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ेंगे। वृषभ राशि, सूर्य ग्रहण का प्रभाव आपके लिए अनुकूल है, आपके लिए लाभकारी है और वृषभ राशि वालों के इस समय रुके हुए काम पूरे होंगे। अगले 1 महीने में वृष राशि वालों के तमाम रुके हुए काम जरूर पूरे हो जाएंगे। अगर वृषभ राशि वाले कोशिश करें, कितनी भी कठिनाई हो आप अपना काम निपटा लेंगे। इस समय अगर आप प्रयास करेंगे तो आपको करियर में बड़ी सफलताएं मिल सकती हैं, यानी आपका छोटा सा प्रयास इस समय करियर में बड़ी सफलताएं दे सकता है। आर्थिक स्थिति, फाइनेंशियल कंडीशन आपकी लगातार बेहतर होती चली जाएगी, आर्थिक रूप से आप लगातार ठीक होते जाएंगे, यानी आपके रुके हुए काम पूरे होंगे, आपकी मुश्किलें हल होंगी और पैसे रुपए की स्थिति आपकी बेहतर होगी। पैसे रुपए को लेकर जो थोड़ी बहुत भी दिक्कत थी वो दिक्कत इस समय समाप्त होगी। तो वृषभ वालों के लिए ग्रहण के परिणाम और ग्रहण के प्रभाव अच्छे हैं। ग्रहण के दौरान अगर आप शिव मंत्र का जप करें, जब ग्रहण चल रहा हो उतने समय में 108 बार अगर आप नमः शिवाय का जप कर लें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। ग्रहण के परिणाम और प्रभाव आपके लिए शुभ होंगे। मिथुन राशि, मिथुन राशि वालों के लिए भी ये ग्रहण बेहतर परिणाम दिखा रहा है। मिथुन वालों को भी ग्रहण के परिणाम और प्रभाव बेहतर दिखाई दे रहे हैं। मिथुन वालों का स्वास्थ्य
इस समय बेहतर होता चला जाएगा। मिथुन वालों के स्वास्थ्य की स्थिति में लगातार इम्प्रूवमेंट होगा और अगर आप कोशिश करेंगे, आपकी राशि मिथुन है, तो आपको करियर में नए अवसर इस समय मिल सकते हैं। आप अगर नौकरी बदलने का या नौकरी में किसी परिवर्तन का प्रयास कर रहे हैं तो इस समय आपको परिवर्तन से लाभ हो सकता है और करियर में नए अवसर आपको प्राप्त हो सकते हैं। करियर की दिशा और दशा बेहतरीन हो सकती है और अगर आप कोई चेंज ऑफ प्लेस चाहते हैं, अगर आप कोई स्थान परिवर्तन चाहते हैं, इस समय आपका अनुकूल स्थान परिवर्तन हो सकता है। इस समय आपके लिए फायदे की स्थिति दिखाई दे रही है। तो मिथुन वाले अगर प्रयत्न करें तो करियर में एकदम से सुधार हो सकता है। करियर में अनुकूल स्थान परिवर्तन होता हुआ भी मिथुन वालों के लिए दिखाई दे रहा है, मामला अच्छा है। आप क्या करेंगे? ग्रहण के बाद किसी निर्धन व्यक्ति को गुड़ का दान करिए, किसी गरीब आदमी को दे दें, गाय को खिला दें, जैसा भी संभव हो। ग्रहण के बाद अगर गुड़ का दान करें तो ग्रहण के प्रभाव आपके लिए और भी ज्यादा बेहतर होंगे। कर्क राशि, कर्क राशि वालों के लिए समय बहुत अच्छा नहीं है और ग्रहण के परिणाम और प्रभाव भी इनके लिए बहुत बेहतर नहीं दिख रहे हैं। कर्क राशि वालों को मैं कहूंगा कि इस समय करियर को लेकर के सावधान रहें। इस समय आपके करियर में समस्या आ सकती है, करियर में दिक्कतों की संभावना बन रही है। जोश में आके बिना सोच के कोई गलती कर देंगे तो नौकरी पर संकट आ सकता है, सतर्क रहें। घर के बुजुर्गों का स्वास्थ्य इस समय बिगड़ सकता है, यानी घर के बड़े बूढ़ों का और बुजुर्गों का ध्यान रखें। इस समय जल्दबाजी में कोई भी निर्णय मत लीजिएगा। इस समय अगर जल्दबाजी में आप निर्णय लेते हैं तो आपका मामला बिगड़ सकता है, आपका निर्णय पूरी तरह से गलत हो सकता है और आने वाले समय में मुश्किल में आ सकते हैं। तो कर्क राशि वाले अगले एक महीने तक मोटे तौर पर बड़ी सावधानी बनाए रखें क्योंकि उनके लिए समय बेहतर नहीं है। और जब ग्रहण समाप्त हो जाए तो तांबे के बर्तनों का दान करें। तांबे का लोटा, तांबे का गिलास, तांबे का चम्मच, जैसा भी संभव हो, ग्रहण के बाद अगर तांबे के बर्तनों का दान करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। सिंह राशि, सिंह राशि वालों के लिए अष्टम भाव का ग्रहण है। बहुत ज्यादा निगेटिव, बहुत ज्यादा नकारात्मक संकेत दे रहा है। तो सिंह राशि के लोग अपने स्वास्थ्य का और अपनी मानसिक स्थिति का बहुत ध्यान रखेंगे। इस समय सिंह वालों की सेहत बिगड़ सकती है और मानसिक स्थिति में भी दिक्कत आती हुई सिंह राशि वालों के लिए दिखाई दे रही है। देखिए, जैसा जीवन चल रहा है, जैसा करियर चल रहा है, वैसा ही चलने दीजिए। करियर में बड़ा रिस्क लेने से, बड़ा जोखिम लेने से बचाव करिए। इस समय करियर में रिस्क मत लीजिएगा। हो सकता है कि आपका रिस्क उल्टा पड़े और करियर में आपके मुश्किलें पैदा हो जाएं।
तो करियर में बड़ा जोखिम लेने से बचाव करें। महत्वपूर्ण कामों को लेकर के बहुत परेशान मत होइए। महत्वपूर्ण काम अभी आपके कुछ समय के लिए रुक सकते हैं, इसलिए अगर महत्वपूर्ण काम रुकते हैं तो थोड़ा धैर्य बनाइए, कुछ समय बाद अपने महत्वपूर्ण काम करने का प्रयास करिएगा। जब ग्रहण समाप्त हो जाए तो किसी निर्धन व्यक्ति को गुड़ और गेहूं, और अगर गेहूं उपलब्ध नहीं होता तो आटा, गुड़ और गेहूं का दान किसी निर्धन व्यक्ति को करिएगा। निश्चित रूप से ग्रहण का दुष्प्रभाव आपके ऊपर कम हो जाएगा। कन्या राशि, सप्तम भाव में ग्रहण है आपके। आर्थिक और पारिवारिक समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं। फाइनेंशियल मैटर, पैसे रुपए की मुश्किल और पारिवारिक दिक्कतें इस समय आपको परेशान कर सकती हैं, सतर्क रहें। और कन्या वाले अगले एक महीने तक वाहन सावधानी से चलाएंगे और चोट चपेट से बचाव करेंगे। इस समय दुर्घटनाएं हो सकती हैं, चोट चपेट के शिकार हो सकते हैं। हो सकता है कि कन्या वालों पर बड़ा दबाव पड़े, बड़ा प्रेशर पड़े और प्रेशर में आ करके कोई बड़ा निर्णय ले लें। तो कन्या वालों को मैं कहूंगा कि जोश में आ करके बड़ा निर्णय मत लीजिएगा, जोश में आ करके कोई ऐसा कदम मत उठाइएगा जो आगे गलत हो जाए। शांति से सोच समझ करके चलिएगा, बेहतर होगा। ग्रहण के बाद किसी निर्धन व्यक्ति को अगर आटे का दान कर दें तो ग्रहण के दुष्प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ेंगे। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।